नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज हम बनाएंगे रंगोली के कलर्स। तो पहले भी मैं वीडियो है आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, रंगोली किस तरह से बनानी है वो मैंने रेत के साथ यानी कि स्टैंड के साथ शेयर करी थी, क्योंकि रेत सब जगह अवेलेबल रहती है। तो कई लोगों की यहाँ पे रेत नहीं होती है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ ये रंगोली व्हाइट कलर की, जो है सब जगह मिल जाती है। तो इससे भी बताऊँगी। पहले बनाना शुरू करते हैं। तो ये जैसे ये कलर है, हम इस तरह से ये बॉटल बनी हुई है, आपको पैकेज में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं आपको डेमो के लिए बताने वाली हूँ, क्योंकि पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ये वीडियो कि किस तरह से जो है कलर बनाना है। तो इसलिए ये मैं सिर्फ आपको आपके लिए नॉलेज के लिए आपको मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी कलर्स पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर मैं डालूंगी अब एक्रेलिक कलर। तो एक्रेलिक कलर जो है बाजार में ईजिली अवेलेबल रहते हैं। तो एक्रेलिक कलर मैं इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से डाल दूँगी, इस तरह से, और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना। हल्का सा मैं इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा पानी ऐड करूंगी। अच्छा, एक्रेलिक कलर से क्या होता है कि रंगोली के अंदर जो है बहुत बढ़िया सी शाइन आ जाती है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लेना है। ये आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया सा जो है ये कलर बनके ये तैयार हो गया। और इसके अंदर चमक भी आप देखोगे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसके अंदर पूरी पूरी शाइन रहती है, जैसे कि हम बाजार से खरीदते हैं कलर में शाइन होती है ना, बिल्कुल इस तरह से। और इसको हम थोड़ा सा पंखे के नीचे रख देंगे 1-2 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल जो है सूख सी जाएगी। क्या बढ़िया लग रहा है, इसकी चमक आप देखिए, बाजार से भी बढ़िया जो है बन के ये तैयार होता है। तो ये जो मैंने लिए बाजार से व्हाइट कलर, ये मेरे को पड़ा है तकरीबन 20 रुपीज़ का, और पैकेज में भी ये मिलती है, आप परचेज कर सकते हो बाजार से, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो। तो अब मैं आपको दूसरा कलर भी बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम बनाएंगे ब्लू कलर। तो ये एक्रेलिक कलर की ट्यूब आती है बाज़ार में, और ये आप बाय कर सकते हो। और इसी तरह से जो है हम इसमें भी थोड़ा सा कलर डाल देंगे, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा। हाथ में लेंगे 1 बूंद पानी, बस इस तरह से, ज़्यादा हमने नहीं लेना है। और इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, आपके पास ये ना यूज़ करना चाहते हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हो, उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हो। ये देखिए क्या बढ़िया सा कलर आ रहा है। एक्रेलिक कलर यूज़ करोगे ना तो आपका रंगोली के कलर बहुत ही चमकदार और मज़ेदार से आएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर लग रहा है। ये मैं आपको इसमें भी डालकर दिखाती हूँ। आप चमक देख सकते हो, ये देखिए दोनों कलर में आप चमक देखिए, क्या बढ़िया से चमक आई है। और ये मैंने जो रेत से बनाए थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाए थे रेत के साथ, और ये भी जो है कलर बहुत ही बढ़िया बना है, आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा इसका भी कलर आया। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। हर बार आप एक जब नया कलर बनाते हैं ना तो आप एक तो इसको वॉश करके फिर आप दूसरा कलर बनाइए। ये देखिए, और मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इसके अंदर वाइट कलर। और अब मैं बनाऊँगी येलो कलर। तो येलो भी मैं ऐसे एक्रेलिक कलर ले लूँगी, बहुत ही ईजिली किसी भी शॉप से आपको मिल जाते हैं, कोई भी स्टेशनरी की शॉप हो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। 1 बूंद इसमें पानी, ये देखिए 1 बूंद, और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा रंग बनके तैयार होगा। तो अब ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारा ये येलो कलर भी आ गया, और एक्रेलिक कलर की शाइन ही कुछ और है। मैं डाल के आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी चमक ही कुछ और है। अब हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट कलर। हमने फिर से इसको वॉश करके ले लेना है और डाल देंगे इसके अंदर अपना वाइट कलर। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर अपना, ये देखिए इस तरह से, बस 1 बूंद जाएगी इसके अंदर इस तरह से पानी की, मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया से ये पर्पल सा कलर आ गया है। अगर आप डार्क करना चाहते हो कलर तो आप इसमें और ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन अभी हमने इसको हिलाना है। बहुत बढ़िया से आप देखोगे किसमें कलर आ गया, बहुत ही बेहतरीन कलर आ गया। देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये। इसको भी मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। जितना आपको डार्क करना चाहते हो आप अपने हिसाब से इसको डार्क कर सकते हो। आप डाल लेते हैं दोबारा से इसके अंदर कलर, वाइट वाला बेस, और इसके अंदर अब मैं बनाऊँगी ग्रीन कलर। आप नॉर्मल पेंट जो होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, उससे भी जो है आप बना पाओगे, लेकिन एक्रेलिक कलर में शाइन कुछ अलग सी आती है। ये देखिए हल्का सा पानी, बस 1 डॉट पानी इस तरह से, और लीजिए इस तरह से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर आएगा। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करें, बस हल्का सा आप पंखे के नीचे रख देंगे बस 1 मिनट के लिए इसको, ये बिल्कुल जो है ड्राई हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया कलर आया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा ग्रीन कलर बन गया। तो ग्रीन हमने बना लिया, हमने ये ब्लू कलर भी बना लिया, इसके साथ ये रेड कलर हमने बनाया जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। येलो भी बहुत ही बेहतरीन कलर लग रहा है, और ये मूव कलर हमने बनाया है। तो इसी तरह से आप कोई भी कलर बना सकते हो, कोई भी आप एक्रेलिक कलर ले लीजिए। और इस तरह से आप चाहे तो ब्लैक बना सकते हो, ऑरेंज बना सकते हो इस तरह से, या फिर आप इस तरह से ब्राउन कलर, मस्टर्ड सा कलर भी बना सकते हो। तो जो मर्जी आप अपने मनपसंद जो है कलर्स एक जो है रंगोली के बनाकर तैयार कर सकते हो। और आप अगर ये भी नहीं यूज़ करना चाहते तो मैंने जैसे आपको रेसिपी में बताया, इस तरह से आप रेत में जो है फूड कलर डालकर भी, ये मैंने फूड कलर से बनाए थे, तो आप इस तरह से फूड कलर के साथ भी जो है बना सकते हो। ये देखिए, तो फूड कलर के साथ भी आप अपना मन चाहा रंगोली का कलर जो है बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये भी मैंने आपको बताया था, और ये भी आपको मैं जो है आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई मजेदार सी वीडियो के साथ। धन्यवाद।